नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का फिर से हमारे YouTube चैनल DK सैनी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों टाइटल और थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा, दोस्तों जिन जिन विद्यार्थियों ने इंटर्नशिप का फॉर्म भरा था उनके लिए खुशखबरी है, इंटर्नशिप के जो स्कूल हैं वो अलॉट हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने जो इंटर्नशिप का फॉर्म भरा था उसमें से एक स्कूल आपको इंटर्नशिप के लिए मिल गई है। तो दोस्तों कौन कौन से विद्यार्थियों की जो इंटर्नशिप की जो स्कूल है वो अलॉट हुई है, तो दोस्तों जो भी अपडेट आई है वो मैं आगे की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और दोस्तों आपको कौन सी स्कूल इंटर्नशिप के लिए मिली है ये आपको कैसे पता करना है वो भी मैं आगे की वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों वीडियो को कम्प्लीट देखना, और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आपके लिए यदि उपयोगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यदि कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और आपको बताते हैं कि इंटर्नशिप की जो स्कूल आपको अलॉट हुई है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ इंटर्नशिप की मेन वेबसाइट पर, और इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं इंटर्नशिप की वेबसाइट पर। यदि आप भी इस वेबसाइट पर पहुंचना चाहते हो तो इसका जो लिंक है इस वेबसाइट का वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अभी की न्यूज़ आई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की साइड 4 जुलाई की अपडेट है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2021-22 में DLED BEd प्रथम वर्ष, BEd MEd प्रथम वर्ष, BA BEd BSc BEd तृतीय वर्ष में अध्ययनरत शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप विद्यालय जो है वो आवंटित कर दिया गया है। अर्थात इनकी इंटर्नशिप के लिए जो स्कूल मिलने वाला था वो इनको मिल गया है। अब दोस्तों आप पता कैसे कर सकते हैं कि आपको कौन सी स्कूल इंटर्नशिप के लिए मिली है, तो आपको कहां पर क्लिक करना होगा आप यहां पर देख सकते हैं ऊपर की साइड एक ऑप्शन आएगा यहां पर अलॉटमेंट स्टेटस का, यहां पर आप देख सकते हैं इस अलॉटमेंट स्टेटस के ऑप्शन पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही हम अलॉटमेंट स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, और आपको यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स है वो भरनी पड़ेगी। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप यहाँ पर बीएड कर रहे हो या बीएसटीसी कर रहे हो उस डिस्ट्रिक्ट का आपको नाम यहाँ पर चूज करना है। उसके बाद में आपको कोर्स यहाँ पर सेलेक्ट करना है, उसके बाद में जो आपकी कॉलेज का नाम है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे दोस्तों आप कॉलेज का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद में यहाँ पर एडमिशन सेक्शन में आपको 2021-22 सेलेक्ट करना है। उसके बाद में कैंडिडेट का जो नाम है उसके शुरुआत के दो अक्षर आपको भरने हैं, आपके नाम के जो शुरुआत के दो अक्षर हैं वो आपको यहाँ पर भरने होंगे। जैसा कि समझाने के लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। उसके बाद में कैप्चा कोड आपको ध्यानपूर्वक फिल करना है। जैसे मैं यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है वो फिल कर दूँगा, उसके बाद में आपको सर्च पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कैप्चा कोड है वो मैंने फिल कर लिया है, आप दोबारा देख सकते हैं। जो डिटेल्स आपको इस प्रकार से भरनी है अलॉटमेंट स्टेटस में, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप जो बीएड कोर्स कर रहे हो या बीएसटीसी कर रहे हो वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में कोर्स सेलेक्ट करना है, इंस्टीट्यूट का नाम, एडमिशन सेक्शन और आपके नाम के शुरुआत के दो अक्षर यहाँ पर फिल करने हैं। कैप्चा कोड आपको फिल करना है, उसके बाद में आपको जैसे ही सर्च पर आप क्लिक करोगे तो नीचे की साइड आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका नाम आपको दिखाई दे जाएगा, आपके रोल नंबर दिखाई दे जाएंगे, और सामने जो स्कूल आपको मिली है वो स्कूल आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी, और वो कौन से विलेज के वार्ड के अंदर है वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने जो स्कूल है जो मिली है वो आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और आप भी अपने जो स्कूल है इंटर्नशिप की वो पता कर सकते हैं। आगे की जो भी सूचना होगी वो तुरंत आपको दे दी जाएगी वीडियो के माध्यम से, तो चैनल से ज़रूर जुड़े। चले दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।